अब हम लोग देखते हैं जो अध्याय वन है और अध्याय टू, यानी कि चैप्टर वन और चैप्टर टू। तो अगर हम चैप्टर वन की बात करें तो जो एसपीटी का जो चैप्टर वन है, ये चैप्टर वन किससे संबंधित है? ये प्रारंभिकी बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रारंभिकी। तो ये प्रारंभिकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमारा जो मेन चैप्टर शुरू होता है वो कहाँ से है? वो चैप्टर टू से है। ये चैप्टर टू जिसमें जो धाराएं हैं वो कितने से कितनी धाराएं हैं? 5 से लेके 11 धाराएं हैं। तो ये 5 से 11 धारा ये इम्पोर्टेंट है। चैप्टर वन हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैप्टर वन को हम लोग देखेंगे नहीं। अब हम लोग सीधे चैप्टर टू पे एंट्री करेंगे और चैप्टर टू में हम लोग समझेंगे कि 5 धारा क्या कहता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हर धारा को हम लोग याद करेंगे। याद क्या करेंगे? हम लोग पूरे उसको समझ के उसको याद करेंगे, एक कहानी की तरह हम लोग समझेंगे उसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक गांव है, दो गांव हैं, ठीक है। ये इन दोनों गांवों में यहाँ पे कह सकते हैं ये जो गांव है ये क्या है, इस गांव में कोई प्रधान नहीं है, ठीक है। ये गांव है, इस गांव में कोई प्रधान नहीं है और ना ही यहाँ पे इस गांव में कोई मूल रैयत है। मैंने अभी आपको मूल रैयत कौन होता है ये बता दिया है। तो इस गांव में ना तो प्रधान है ना ही मूल रैयत है। तो इस प्रकार के जो गांव हैं, और एक गांव है, दूसरा गांव है, यहाँ पे क्या है? प्रधान है इस गांव में, कह सकते हैं इस गांव में प्रधान है और इस गांव में क्या है? मूल रैयत भी है, ठीक है। मूल रैयत कौन है? मूल रैयत वे लोग हैं जिसका खतियान में नाम चढ़ा हुआ है, जिसके नाम से रसीद कटता है, जिसका सरकार के साथ बंदोबस्त हो चुका है, सॉरी, जिसका रसीद कटता है, ठीक है, और उसके साथ क्या है, जिसका खतियान में नाम चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? मूल रैयत। अब यहाँ पे ये इस गांव में मूल रैयत है, प्रधान भी है, और इस गांव में प्रधान नहीं है और मूल रैयत भी नहीं है। तो इस प्रकार के जो गांव हैं, इस प्रकार के गांव, उसको क्या कहते हैं? खास गांव कहते हैं। क्या कहते हैं? खास गांव। और ये जो गांव है इसको क्या कहते हैं? खास गांव, गैर खास कह सकते हैं, ठीक है, गैर खास, गैर खास गांव, या फिर खास गांव नहीं है, ठीक है, गैर खास गांव कह सकते हैं, या फिर गैर खास नहीं गांव कह सकते हैं, या फिर खास नहीं, ये क्या है? खास नहीं है। तो ये हो गया, दो प्रकार के ये गांव हो गए। अब अगर हम बात करें ये जो इस प्रकार के गांव है, खास गांव, तो ये इसकी चर्चा किस सेक्शन में है, यानी कौन से धारा में है? तो ये सेक्शन 5 में, ये सेक्शन 5 कहता है कि जिस गांव में प्रधान नहीं है, जिस गांव में मूल रैयत नहीं है, वो क्या कहलाएगा? खास गांव कहलाएगा। और ये क्या है? ये सेक्शन 6 है, यानी कि गैर खास गांव के बारे में चर्चा है, ठीक है। यहाँ पे जो मूल रैयत है वहाँ पे ये भी हो सकता है कि इसके कुछ पार्ट में क्या है, इसके कुछ पार्ट में रैयत रहते हैं, उसमें हो सकते हैं जमाबंदी रैयत भी हो सकते हैं, और इसका जो स्वामी है भूस्वामी भी है, हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़, ये दोनों दो प्रकार के गांव हैं, खास गांव और गैर खास गांव। तो ये धारा 5 और धारा 6। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब यहाँ पे दो प्रकार के हम लोगों ने गांव में देख लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे प्रधान नहीं है, ठीक है, इस गांव में क्या है? प्रधान नहीं है, तो इस प्रधान की नियुक्ति करने की ज़रूरत है। तो इस गांव में प्रधान नहीं है तो इसकी प्रधान की नियुक्ति अगर करना है तो कौन नियुक्ति करेगा? तो डीसी करेंगे नियुक्ति, और डीसी साहब जो है नियुक्ति करेंगे। और डीसी नियुक्ति किसके आधार पे, कौन आवेदन देगा? बिना आवेदन के तो कोई काम नहीं करेंगे, तो इसके लिए डीसी को आवेदन दिया जाएगा। वो आवेदन कौन देंगे? जो रैयत हैं, जो उस गांव के रैयत हैं वो, या फिर जो उस गांव के भूस्वामी हैं, या फिर कह सकते हैं जो लैंड लॉर्ड हैं, वो क्या देंगे? आवेदन देंगे। और इसमें 2/3 जो जमाबंदी रैयत हैं,
जमाबंदी रैयत जो है, दो तिहाई जमाबंदी रैयत, वो क्या करेंगे, अपना साइन करके देंगे। ठीक है, तो जिस गांव में प्रधान नहीं है वहां पे प्रधान की नियुक्ति कैसे होगी, तो रैयत या फिर भूस्वामी आवेदन देंगे। किसको देंगे आवेदन, डीसी को आवेदन देंगे, और उसमें कितने लोग किसकी साइन होनी चाहिए, तो दो तिहाई जो जमाबंदी रैयत है उसका सिग्नेचर होना चाहिए इस आवेदन में। ठीक है, ये सब क्या है, किसी में ये धारा 5 में ही ये सारा जिक्र है। उसके बाद एक हम लोगों ने देखा था, जो गैर खास गांव था वहाँ पे क्या था, प्रधान था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्रधान था, लेकिन अब ये कंडीशन हो जाता है कि इस प्रधान की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो प्रधान का जो सीट है वो खाली हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, जो भूस्वामी है वो क्या करेगा, ये फिर डीसी को आवेदन देगा कि यहाँ का प्रधान जो है मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो यहाँ पे जो प्रधान है उसकी नियुक्ति की जाए। तो फिर ये डीसी क्या करेंगे, प्रधान की नियुक्ति करेंगे, और ये जो भूस्वामी है वो डीसी को कितने दिनों के अंदर आवेदन देगा, तो ये 3 महीने के अंदर ये आवेदन देगा इनको। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है धारा 5 और 6 में। ठीक है, तो ये धारा 5 में क्या होगा, खास गांव, गैर खास गांव, 6 में, और जो प्रधान की नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा नियुक्ति, डीसी करेंगे नियुक्ति, आवेदन कौन देगा, तो लैंडलॉर्ड या रैयत देंगे। इसमें आपको याद रखना जवाबंदी रैयत की सिग्नेचर होनी चाहिए, और ये 3 महीने के अंदर, ये अगर मृत्यु हो जाती है प्रधान की, तो प्रधान को कहते हैं इंग्लिश में विलेज हेड। ठीक है, इसको VI विलेज हेड बोलते हैं प्रधान को। ठीक है, तो ये हो गया 5 और ये धारा 6। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब प्रधान की नियुक्ति अगर हो गई, ये प्रधान है, तो प्रधान की नियुक्ति हो गई, अब ये क्या करेंगे, ये डीसी ऑफिस से इनको क्या मिलेगा, पट्टा मिलेगा। पट्टा यानी कि जो ज़मीन, जिसे हम कह सकते हैं, जो रेंट हम मिलता है, लेते हैं किसी से, किराए पे कुछ लेते हैं, तो उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, तो उसी कह सकते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, पट्टा। इसको क्या मिलेगा, डीसी ऑफिस से पट्टा मिलेगा, और इस पट्टा के बदले में किस चीज़ का पट्टा, ज़मीन का पट्टा मिलेगा, और इस पट्टा के बदले में इसको क्या देना पड़ेगा, कबूलियत देना पड़ेगा। कबूलियत यानी कि ये कबूल, उस कबूलियत यानी कि ये कबूल करेंगे। ठीक है, तो एक आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन का काम है, यानी कि डीसी क्या प्रधान को देंगे, पट्टा देंगे, और ये बदले में क्या, कबूलियत कि हाँ इस ज़मीन को ले रहे हैं। और तो ये इसकी जो चर्चा है वो धारा 7 में है। ये धारा 7 ये कहता है कि प्रधान डीसी से पट्टा लेगा, बदले में क्या देगा, कबूलियत देगा। ठीक है, अब आगे हम लोग अगर देखें तो जो धारा 8 कहता है, वो धारा 8 क्या है कि प्रधान की नियुक्ति हो गई, तो प्रधान की नियुक्ति जब हो गई, तो प्रधान की नियुक्ति होने के बाद प्रधान अपने ऑफिस में बैठेगा, ये अपने ऑफिस में बैठेगा, तो प्रधान के ऑफिस में जो भूस्वामी है, जैसे यहाँ पे जो भूस्वामी है, वो जो भी कागजात हैं ज़मीन का, वो क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट है वो सारा जमा कर देगा, किसको, प्रधान के ऑफिस में। कौन जमा करेगा, भूस्वामी, ये क्या जमा करेगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट, जिसको हम कह सकते हैं जो भी जमाबंदी भी कह सकते हैं, या फिर जो खतियान है, यानी जो बंदोबस्ती, वो सारा कुछ जमा किसको करेगा, ये प्रधान के ऑफिस में जमा करेगा। कौन जमा करेगा, भूस्वामी जमा करेगा। इसको जो ROR है, इसको क्या कहते हैं, खेवट खतियान भी कहते हैं, खेवट खतियान, ये खेवट खतियान है। और कितने दिनों के अंदर ये जमा करेगा, ये 3 महीने के अंदर इसको भूस्वामी को जमा करना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर। यानी कि जो भी खेवट खतियान है, जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट है, या कह सकते हैं जितना जो भी जमाबंदी है, वो किसके पास है, भूस्वामी के पास है। जब नियुक्ति हो गया, तो नियुक्ति हो गया, तब ये क्या करेगा, भूस्वामी उसको ऑफिस में, यानी कि वो मालिक बन गया, अब इसको वो जमा दे देगा कि हाँ आप ये सब संभालिए, अब आपके कार्यभार में आ गया। तो ये भूस्वामी इसको दे देगा, किसको, प्रधान को दे देगा,
तो ये क्या कहता, ये कौन सा धारा है, ये धारा 8 है। यानी कि धारा 8 क्या कहता है कि भूस्वामी सॉरी प्रधान की नियुक्ति के बाद भूस्वामी प्रधान को जो भी जमाबंदी है, जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट है, जो भी खेवट खतियान है, वो सारा 3 महीने के अंदर उसको जमा कर देगा। उसके बाद धारा 9 क्या कहता है, धारा 9 ये कहता है कि अगर ये प्रधान की नियुक्ति हो गई तो ये अगर चाहेगा कि नहीं अब हम अपने पद से रिजाइन कर दें या अपना पद किसी और को हम ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, ये चाहेगा कि अपना पद जो है, इसकी नियुक्ति हुई अब ये चाहेगा कि नहीं मैं अपना पद जो है हस्तांतरण कर दूंगा, हस्तांतरण, तो ये हस्तांतरण नहीं कर सकता है अपने पद को, यानी कि पद का ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ये कौन सा धारा है, ये धारा 9 कहता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, धारा 5 देखा, एक बार लास्ट में मैं सारा आपको रिकॉल कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो धारा 10 है, तो धारा 10 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग आगे हम लोग जो इसका जो आखिरी धारा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो धारा 11 है वो क्या कहता है कि जैसे कि जो प्रधान है, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी रेंट लेता है, अब कह सकते हैं कि जो भी फाइन लेता है, ठीक है, फाइन जो भी लेगा, जो भी फाइन लेगा किससे लेगा, या तो रैयत से फाइन लेगा या फिर भूस्वामी से लेगा, तो ये जो फाइन होगा ये कहाँ पे जमा होगा, एक कोष बनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, प्रधान पुरस्कार कोष, ठीक है, प्रधान पुरस्कार कोष कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं विलेज, इसको कहते हैं क्या, हेडमैन रिवार्ड फंड, हेडमैन रिवार्ड फंड, यानी कि प्रधान का पुरस्कार कोष। तो ये जो फाइन जो भी होगा इसी कोष में ये फाइन जमा किया जाता है, और ये जो कोष है, ये जो फंड है, इसको मैनेज कौन करता है, तो डीसी के द्वारा ये फंड मैनेज होता है। तो ये कौन सा धारा हो गया, ये धारा हो गया 11, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रधान पुरस्कार कोष का चर्चा किस धारा में है, तो धारा कौन सा है, धारा 11, ये आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि एक गांव है जहां पे मूल रैयत नहीं है, मूल रैयत नहीं है और ना ही प्रधान है, तो उसको क्या कहते हैं, खास गांव कहते हैं। एक गांव ऐसा है जहाँ पर मूल रैयत है और प्रधान भी है, तो उसको क्या कहते हैं, गैर खास गांव। अब अगर प्रधान नहीं है तो उस प्रधान की नियुक्ति कौन करेगा, डीसी करेगा, आवेदन कौन देगा, मूल रैयत आवेदन देगा या फिर लैंडलॉर्ड आवेदन देगा। और अगर यहाँ पे प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी नियुक्ति भी डीसी करेगा, लेकिन आवेदन कौन देगा, भूस्वामी आवेदन देगा। कितने दिन के अंदर देगा आवेदन, 3 महीने के अंदर, सॉरी 3 मंथ के अंदर आवेदन देगा। ये हो गया 5 धारा, और ये धारा 6 हो गया। 7 कहता है कि जो प्रधान है वो पट्टा लेगा डीसी से, और बदले में ये क्या करेगा, कबूलियत देगा डीसी को। ये धारा 7 कहता है। धारा 8 क्या कहता है कि प्रधान अगर अपने ऑफिस में आ गया, यानी कि उसकी नियुक्ति हो गई, तो वो जो भूस्वामी है, इसको लैंडलॉर्ड कहते हैं, लैंडलॉर्ड क्या करेगा, जो भी जमाबंदी के कागजात हैं, जो भी खेवट खतियान हैं, या कह सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट हैं, वो 3 महीने के अंदर इसको जमा कर देगा प्रधान के ऑफिस में। ये धारा 8 कहता है। धारा 9 कहता है कि जो प्रधान है अगर है, तो प्रधान अपने पोस्ट यानी जो अपना पद है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ये धारा 9 कहता है। वहीं धारा 11 हम लोगों ने देखा कि अगर जो भी फाइन प्रधान करता है, रैयत के ऊपर फाइन करता है, लैंडलॉर्ड के ऊपर फाइन करता है, तो वो एक कोष में जमा होता है, इसको कहते हैं हेडमैन रिवार्ड फंड, और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, डीसी के द्वारा कंट्रोल होता है, ये क्या है, धारा 11। तो हम लोगों ने पूरा देख लिया धारा 5 से लेके 11 तक देख लिया, और ये किस चैप्टर का पार्ट है, चैप्टर 2 का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 को हम लोग देखेंगे, और चैप्टर 3 में जो भी चीज़ें हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अगर आपको कहीं कुछ डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।